दोस्तों बिग बॉस में कौन बनेगा हाउस हेड, इस बात को लेकर साई केतन राव और कटारिया में हाथापाई होते होते बची है। क्या है इसका पूरा रीजन, देखिए इस वीडियो में। तो हुआ ऐसा कि साई केतन राव, रणवीर शौर्य और सना सुल्तान, इन तीन लोगों को मिलके हाउस हेड का चुनाव करना था, जिसके लिए इन तीनों को एक कॉमन डिसीजन पे आना था। पर ये तीनों एक कॉमन डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि सना सुल्तान चाहती थी कि वो नेजी को हाउस हेड बनाए और ये बाकी के दोनों लोग चाहते थे, साई केतन राव और रणवीर शौर्य, कि जो हाउस हेड है वो अरमान मलिक बने। तो इस कारण ये एक कॉमन डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण बिग बॉस ने इनको कहा था कि अगर ये एक कॉमन डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे तो घर में राशन नहीं आएगा, जिसके कारण सना सुल्तान थोड़ी सी परेशान हुई और उनने अपना डिसीजन चेंज करके और अरमान मलिक को उनने पावर दे दी, जिसके कारण हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ लवकेश कटारिया और साई केतन राव के बीच। और उसके बाद की क्लिप आप देख सकते हैं। कटारिया की मम्मी ने भी कुछ रिप्लाई किया है, वो भी आप देख सकते हैं। आंटी है, आंटी अभी लड़ाई देखी आपने, जो इतनी कैडी लड़ाई हुई है। बहुत कड़ी लड़ाई हो रही थी बेटा, सच में ऐसे हो रहा जैसे थे, मतलब मार ही देगा ऐसे, इतनी तेज तेज ऊपर आ रहा है। गाली उसने पहले बकी, उसके बाद जब हमारे वाले ने गाली बक दी तो पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। देखो मैं तो आंटी जी समझता हूँ, अगर आप गाली गाली दे रहे हो ना तो गाली सुनने के भी सहन शक्ति रखो, बिल्कुल होनी चाहिए भैया। अगर तू गाली दे रहा था, अगर दूसरा पे सख्ती होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, मतलब ये मतलब ऐसा हो रहा है जैसे खा जाएगा मारेगा उसको, ऐसा थोड़ी होता है। अरे कर तो कुछ ना था, ये यूं कह रहा कि बाहर मिल, मैं कह रहा तू बाहर आ जा भाई, और मैं कह रहा हूँ जैसे मर्जी बाहर आ जा, हल्के में नहीं, जैसे मर्जी बाहर आ जा। ना ना बिल्कुल आ जा बाहर, बाहर किसी ने भी दिक्कत नहीं है, हमको डर थोड़ी रहेगा। बिल्कुल आंटी, वो हमारा लड़का तो अंदर भी नहीं डर रहा, टी शर्ट उतार रहा है, पता ना क्या कर रहा है। इतने ड्रामे कर रहा, वो कपड़े उतार रहा, टी शर्ट फेंक रहा, चिल्ली मार रहा, लोग पकड़ रहे। वही तो, मतलब ऐसे दिखा रहा कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कटारे के वैसे दिख गया थोड़ा, वो शो में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिख नहीं रहा था 20 दिन से ना, उसको फुटेज मिल गई हमारे भाई की वजह से। आपको याद हो क्या कह रहा हूँ, आपको याद हो साई केतन, सुन तो लो, साई केतन 20 दिन पहले दिखा था कटारे के साथ लड़ाई करके, और अब दोबारा लड़ाई करके दिखा। कोई नहीं, स्क्रीन टाइम तो मिला बेचारे को, कोई दिक्कत नहीं आंटी, अपना लड़का बढ़िया कर रहा, बाकी खींच के रखेंगे मीटर सिस्टम, खींच देंगे, टेंशन मत लो। बस आंटी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आंटी आप बेफिक्र हो, आप बेफिक्र होकर सो, कोई दिक्कत वाली बात है। ले भाई भाई हम कहते रहे, हमारा लड़का भी शेर है और आंटी तो हमारी यही शेर नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके आंटी जी, भाई फिर मिलते हैं आंटी, आराम से।